और ये देखिए ये मेरा 1 महीने का रिजल्ट है, इसमें नई नई पत्तियां निकलने शुरू हो गई है। तो हम इसी मधुमालती के प्लांट के बारे में, कटिंग के बारे में हम शेयर करेंगे कि कौन सी ब्रांचेज लें कि जल्दी उसमें रूटिंग हो, और कहाँ रखें, कौन से एरिया में इसे रखें। तो आइए इसे एक एक स्टेप में आपसे शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि, और ये मेरा खूबसूरत सा बेल है जिसे मधुमालती रंगून कृपा भी बोलते हैं, और बहुत लोग इसे झुमका बेल भी बोलते हैं क्योंकि इसका फ्लावर नीचे की तरफ लटकते रहता है, झुका हुआ रहता है, और बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला ये बेल है। और कलर इसका चेंज होते रहता, लाइट पिंक, कुछ डार्क पिंक, फिर नहीं, और हल्की इसमें खुशबू भी होती है। और ये जो मेरा प्लांट है ये कटिंग से ही लगा हुआ मेरा प्लांट है, और देखिए कितनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो इसके लिए मैं गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट कुछ भी होता है तो उसमें पानी में घोल के मैं ज़्यादातर देती हूँ। और गमले में लगे हैं तो जब भी वाइन वगैरह इसमें ज़्यादा हो जाए तो इसके ऊपर रस्सियाँ के सहारे या किसी भी सहारे ऊपर चढ़ा दे तो गमले में अच्छी फ्लावरिंग होती है। और देखिए बारिश का टाइम है, बहुत सारे इसमें मेरे ब्रांचेज हो गए हैं तो मैं इसकी प्रूनिंग कर दी है, और देखिए कितने सारे इसमें ब्रांचेज निकले हैं। तो मैं इन्हीं ब्रांचेज में से आज कुछ कटिंग लगाऊंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम इसके अच्छे ब्रांच चुनेंगे क्योंकि जो भी वाइन वाली ब्रांचेज होती हैं उसकी जो पतली पतली ब्रांचेज ऊपर वाली होती है वो नहीं लेंगे। ऐसे वैसे तो हम गुलहर वगैरह हुआ या चांदनी वगैरह हुआ तो टिप वगैरह लेके लगा देते हैं ऊपर से, वो बहुत आसानी से लग जाती है, लेकिन वाइन वाली में ऊपर वाली पतली ब्रांचेज में कुछ नहीं होती है, रूटिंग नहीं आती है। तो ये जो ब्राउन वाली ब्रांचेज होते हैं वो लेंगे, और इसकी जितनी भी नीचे की पत्तियां वगैरह है सब निकाल देंगे, और ये जितने भी ये ऊपर की पतली पतली ब्रांचेज हैं वो हम हटा देंगे। और ये देखिए ये परफेक्ट कटिंग है, 4-5 नोड एरिया हम रखेंगे, और ये जो पतली पतली ऐसी ब्रांचेज ना लें, इसमें कुछ भी नहीं रहता है, खोखला होता है। और ये इस तरह की ब्रांचेज बहुत परफेक्ट है, ये ब्राउनिश वाली, और 4-5 नोड इसमें आप रख के लें। और देखिए मैंने 4-5 कटिंग ले ली है और नीचे की सारी पत्तियां हटा दी है, और हम इसमें थोड़ा सा तिरछा कटिंग लगा देंगे ताकि रूटिंग अच्छी आए। और कभी भी ब्रांचेज 4-5 लें ताकि एक दो खराब भी हो जाए तो, अरे एक भी चल जाए तो काफ़ी है। और तिरछा कटिंग लगाने से ही होता है कि रूटिंग अच्छी आती है, और रूटिंग के लिए अब आप रूटिंग हार्मोन भी ले सकते हैं, आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं, और जो आपके घर एलोवेरा होता है उसको भी कट करके उसमें डीप ऐसे लगा के डीप करके ग्रो कर सकते हैं। रूटीन हार्मोन तो बहुत कम ही रहता है लोगों के पास, हल्दी तो हमारे घर में ही मौजूद रहती है, एलोवेरा तो आजकल घर घर में लगता है, तो बहुत अच्छा रूटीन हार्मोन का काम करता है, और नीचे की जो ये हैं गलते ख़राब नहीं होते हैं उन सब चीज़ों से। तो देखिए मैंने 4-5 कटिंग ले लिया है और पूरा नीचे की पत्तियाँ वगैरह हटा दी है, और ये देखिए ये परफेक्ट कटिंग है। तो हम इसे इसके लिए मिट्टी तैयार करेंगे, तो इसके लिए हम नॉर्मल गार्डन सॉइल, और ये देखिए मैंने जो जितनी भी नीचे की पत्तियाँ हटा दी है तो नॉर्मल गार्डन सॉइल और बालू सैंड वगैरह मिला के लेंगे। नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी लग जाता है, अगर उसमें फंगस साइड हो तो फंगस साइड डाल दें, नीम की खली है तो नीम की खली डाल दें। ये पहले से मेरे मिट्टी में ये सारा मिला हुआ है तो हम इसी में लगाएंगे, साइड में थोड़ा जगह है वहीं लगाएंगे, बाद में जब लग जाएगी तो दूसरे पॉट में हम लगा देंगे, अभी मेरे पास पॉट नहीं है तो इसी भी साइड में लगाएंगे, और किसी ने मांगा था इसलिए मैं लगा रही हूँ, तो हो जाएगा तो दे देंगे। मेरा ऑलरेडी मेरे पास एक है, बहुत फैला हुआ है, तो देखिए इसके एक दो नोड एरिया हम नीचे दबा देंगे, नोड एरिया बिल्कुल नीचे दबाना चाहिए, उसी से रूट निकलता है, तो हम दो एरिया नोड एरिया नीचे दबा देंगे और अच्छी तरह से दबा देंगे ताकि एयर पॉकेट ना बने, फंगस ना लगे, अच्छी तरह से दबा देंगे। और इसमें लगाने के बाद फुल पानी दे देंगे, और ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ छन छन की धूप आती हो, और जब पहली बार लगाएं तो पूरा फुल पानी दे, ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए, उसके बाद हर 2 दिन बाद हम इसमें पानी देख के दे देंगे, और ऐसी जगह रख देंगे जहाँ छन छन की धूप आती हो। ये मेरे दीवार के ओट में है तो हम मैंने इसलिए यहाँ लगा दिया, ऐसे भी बारिश हो रही है हमारे यहाँ तो मौसम अच्छा है,
और ये देखिए ये 1 month का रिजल्ट है, कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ हुई है और ये नई नई पत्तियाँ निकल रही हैं। देखिए ये जो नई पत्तियाँ जो कोपल निकलती है कितना खूबसूरत लगता है, एकदम शाइनिंग लीव है और बहुत अच्छा इसमें हेल्दी ग्रोथ हुआ है और छोटी छोटी पत्तियाँ अभी निकल रही हैं। और ये देखिए ये मेरा 2 month से अधिक है, 2.5 month का हुआ होगा। और ये देखिए ये एक दो कटिंग मेरी ख़राब हो गई, इसलिए मैंने बोला था कि कभी भी 4-5 कटिंग ज़रूर लें। और देखिए ये मेरे 2 लग गई है और कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ हुई है, तो मैं अब इसको दूसरे पॉट में लगा दूँगी। और देखिए कितना ऊपर तक इसकी वाइन गई है और बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ हुई है। ये पहले वाले में बहुत ग्रोथ हुई है, दूसरे वाले में उतनी नहीं है लेकिन इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। तो कटिंग से लगाना मधुमालती बहुत इजी है, और जो मैंने प्लांट दिखाया था जो मेरा, वो भी मेरा कटिंग से ही लगा हुआ है, तो बहुत इजी से आप इस मधुमालती के प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं। और ये इस बरसात के सीज़न में तो बहुत इजी से लग जाता है। तो होप मेरी ये शेयरिंग पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।